नमस्कार, विभूति समाचार में आपका स्वागत है। धोनी के आधार कार्ड की जानकारी ट्विटर पर डाली, नाराज हुई साक्षी धोनी। नागरिकों का आधार कार्ड बनाने में UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की मदद करने वाली एक एजेंसी ने कुछ ज्यादा उत्साहित होकर क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड की जानकारी पर ट्विटर पर शेयर कर दिया। इससे नाराज धोनी की पत्नी साक्षी ने केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। साक्षी ने इस बारे में ट्वीट कर सवाल किया कि क्या कुछ निजता बची हुई है। हालांकि साक्षी के ट्वीट के बाद संबंधित केंद्र पर तत्काल कार्रवाई की गई। एजेंसी के कॉमन सर्विस सेंटर ने मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा था कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और उनके परिवार ने VLE मारिया फारूकी के CSE रांची झारखंड के केंद्र से अपना आधार कार्ड अपडेट कराया। इस ट्वीट में प्रसाद को भी टैग किया गया था। ट्वीट में CSE प्रतिनिधि के साथ एक फोटो भी शेयर किया गया था। यही नहीं, इसमें क्रिकेटर की निजी जानकारियां भी थी। बाद में इस ट्वीट को हटा लिया गया। मंत्री ने साक्षी को इस मुद्दे को संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा था कि निजी जानकारी साझा करना गैर कानूनी है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच UIDAI के CEO डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने बताया कि क्रिकेट खिलाड़ी MF धोनी की आधार प्राप्ति रसीद लीक करने के मामले में संबंधित केंद्र को 10 साल के लिए काली सूची में डाल दिया है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने कहा, नोएडा और जम्मू कश्मीर में यदि राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ है तो कार्रवाई जरूर होगी। योगेंद्र यादव को झटका, उच्च न्यायालय ने स्वराज इंडिया को चुनाव चिन्ह देने से किया इनकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, GST परिषद अच्छा काम करे है, सबकी जिम्मेदारी है। ट्रंप ने ओबामा की जलवायु नीति को रद्द करने के लिए कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में दक्षिण अफ्रीकी लड़की को ऑटो से उतार कर पीटा। रविवार को भी अफ्रीकी छात्र को पीटा गया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webunion.com। नमस्कार।